सर्दी में तो देखो स्टे दिन इतना ठंडा होता है, ठीक है। तो हाँ जी दोस्तों, ऊंचाइयों का मजा, ये बाबुल पार। गाइस गाड़ी हो चुकी है खाली। ए भाई साहब ब्यूटी, वो देखो भाई कुछ नोटिस कर रहे हैं आप? नमस्ते जी, सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग जी, कैसे सभी? उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे और कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे होंगे। आज तुम्हारा भाई सुबह सुबह ही मतलब 6 बजे आ गया रोड पे फुल पावर। तो राजू भाई हमारे साथ आ रहे हैं, अभी क्रैशर पे निकलते हैं, फिर देखते हैं कि क्या काम है क्या नहीं है। लव यू ट्रक वर्क है। सर्दी में तो देखो स्टे दिन इतना ठंडा होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ठंडा है। ऊपर से देखो भाई ये सियापा बाप ही बाप जम जाती है भाई बुरी तरह। तो एक सुख होता है कि सुबह सुबह रोड में गाड़ी नहीं होती भाई। बस तो मैं यहाँ PNB बैंक के वहाँ आया हूँ, यहाँ से भाई का घर है, भाई आ रहे हैं तो भाई को उठाते हैं, फिर निकलते हैं क्रेशर। तो दोस्तों बड़ी खुशी की बात है कि हल्की सी धूप आई है, अभी हल्की सी। तो गाड़ी लोड हो रही है, कहीं बहन जाना हुआ है तो बहन जाना, कहीं पेपर्स लेके पेपर लोड हो रहे हैं, तो चलो लोडिंग करते हैं, बाकी निकलते हैं यहाँ से। बड़ी खतरनाक और अच्छी जगह है, मणिकंड रोड में पड़ती है, थोड़ा ऊपर को जाते हैं लेफ्ट साइड को। जी दोस्तों मणिकंड रोड में आ गए हम, और अभी हमारे को यहाँ आगे जो छरौड़ नाला आता है 2-3 किलोमीटर आगे, वहाँ से लेफ्ट टर्न करना है। तो हाँ जी हम पहुँच गए हैं छरौड़ नाला, और जो ये हमारा पुल है यहाँ से हमारे को लेफ्ट लेना है भाई। तो यहाँ से हमारे को टॉप पे जाना, टॉप। बकरियां ही बकरियां दोस्तों, देख लो ये। अभी हम जा रहे हैं अपने महादेव की वैली, जो अपने बिजली महादेव जी हैं। तो अभी बिजली महादेव के लिए शॉर्टकट है दोस्तों यहाँ से ब्रांड से, तो मजे चला हूँ मैं। बाकी रोड थोड़ा ख़राब है भाई, आजकल बारिश में थोड़ा बरसात में हो गया ख़राब, इसकी मेंटेनेंस नहीं हुई है। ये तो वैसे पक्का ही रोड, कहीं कहीं गड्ढे हैं, आगे से आएगा लिंक रोड शायद। तो यार आज मैं ना सबको अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं एक ड्राइवर हो के भाई क्या क्या ड्रीम रखता हूँ, क्या क्या सपने हैं मेरे, क्या क्या सोचता हूँ मैं। बाकी ऐसे डेली ब्लॉग तो यार डेली आते हैं, तो कुछ अपने आज दिल की बात कर रहा हूँ मैं, दिल की बात भाई। तो दिल की बात में तो मैं आपको अपनी दिल की बात में वो कर रहा हूँ, मतलब दिल की बात बता रहा भाई। तो आप सब सोचोगे यार ये क्या लग गया बोलने, पर जो दिल में था मैं नहीं रखता भाई दिल में, मैं बोल देता हूँ। पहली बात तो है भाई ना, आप सबको पता मैं गाड़ी से कितना प्यार करता हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसा था कि यार लाइफ में एक ना बंदे, हर बंदे का एक अपना सपना होता है, एक क्या बहुत सपने होते हैं। एक टाइम मेरा मतलब जब मैं स्कूल टाइम में पढ़ता था ना, तो मेरा एक सपना होता था यार, काम चाहे मैं कोई भी करूँ, सोच तो मेरी ये थी, पर ऐसे मैं पढ़ना चाहता था तो कुछ बड़ा करना चाहता था। तो चलो अब ड्राइवरी कर रहे हैं तो ड्राइवरी करके भी कुछ बड़ा ही करेंगे। उस पहले के सपने बताता हूँ मैं, मेरे ऐसा सपना था कि मैं कमा कमोगे ना कभी ज़िंदगी में एक अल्टो गाड़ी ले लूँगा, उसको थोड़ा मॉडिफाई करवाऊँगा,
जो कि आपको पता है मैंने अल्टो गाड़ी ली भी और उसको मॉडिफाई भी अच्छे से किया हुआ है। जितना मेरे से हो सकता था, जितना मैं स्पेंड कर सकता था, मैंने लगाया है भाई। तो एक होती थी ना मन की इच्छा, आज तक ना दोस्तों जो भी मैंने सोचा, जो मेरे मन में मैंने चाहा कि जिस चीज़ का मैंने सपना देखा, वो भाई पूरा हुआ है आज तक, वो पूरा हुआ है। ठीक है, तो चलो भगवान की दुआ से, महादेव की दुआ से आगे भी पूरा होना चाहिए। तो स्कूल टाइम्स जो मैंने सोचा था, एक टाइम मैंने सोचा था कि मैंने पल्सर 220 लेनी है, जो बाइक होती है अपनी पल्सर की, तो वो भी तुम्हारे भाई ने पहली कमाई से वो ही ली थी। घर वालों को किसी को मैंने पैसे नहीं दिए थे, तो मैंने अपनी पहली कमाई से, जब मैं ड्राइवरी करता था स्टार्टिंग में मेरी पेमेंट 5,000 थी भाई सैलरी, तो उस टाइम पे मैंने 220 पल्सर ली थी बाइक। फिर मैंने उसको बेच दिया, फिर उसके बाद मैंने अल्टो कार ले ली, फिर उसको मॉडिफाई कराया बढ़िया। फिर मैंने एक बुलेट भी लिया था, बुलेट में थोड़ा मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, तो उस वजह से मेरे को बुलेट बेचना पड़ा था, मैंने फिर बुलेट बेच दिया। तो अब जैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ, मतलब 25 मेरी एज हो गई है, 25 साल का हो गया हूँ मैं, तब यार अब दिल में ऐसा आता है, अब जैसे बोलते हैं ना गृह गृहस्थी जो होती है उसमें रहने लायक हो, तो तब मैं मेरे दिल में कि था कि अपना छोटा सा घर हो, वो सब आप सबकी दुआ से बढ़ रहा है भाई। मेहनत भी कर रहा हूँ, कमा भी रहा हूँ भाई, तो मेहनत तो मैं भाई बहुत बचपन से कर रहा हूँ। तो एक सपना था ना मेरा, एक था पहले से ही सपना कि अपने हिसाब का घर हो। अभी तक का जो भी मेरा घर जितना भी बढ़ रहा ना, मेरा भाई कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब मेरे हिसाब से बना रहे उस घर को, जैसा मैं चाहता हूँ बढ़ रहा उस हिसाब से, और मैं उसी हिसाब से बनाऊँगा। देखो पहले कमाने से पहले का सपना था कि कमा के 220 ले ली बाइक कार ले ली। फिर सपना था कि घर बनाना है, घर भी बना लिया भाई, बन रहा है, मतलब बन ही जाएगा, कमाऊंगा तो बना ही दूंगा भाई। तो फिर एक बंदे का सपना रहता है कि एक मिनट जरा यहाँ थोड़े बंदे हैं, थोड़ा पासपोर्ट दे दीजिए, क्योंकि ये बात होती है अकेले में। सबके सामने नहीं ऐसी बातें होती है, जो पर्सनल बात होती है सिर्फ मैं आप लोगों के साथ करता हूँ, सबके सामने ये बातें करता हूँ। तो एक सपना था कि सीरियस लेना इस बात को, है ना, फिर मैं बताऊंगा भी ये चीजें किस तरह पूरी हुई, कैसे पूरी हुई। ठीक है, तो आज का ब्लॉग यही रहेगा, मेरी बकवास सुनो आज भाई, जिसको बकवास लगी बकवास, जिसको अच्छा लगा तो अच्छा, जो इससे मोटिवेट हो गया था भाई वो मोटिवेशन ले लो, जो समझना समझ लो भाई। पर मैं एक अपनी लाइफ की सच्ची स्टोरी बता रहा हूँ भाई। देखो मैं कभी भाई लाइफ में, जब से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं बेला नहीं बैठा, मैंने मतलब बस मेहनत की, काम ही किया भाई, और आगे भी करता रहूँगा जब तक हाथ सलामत है, मेहनत करते रहेंगे ठोक के। तो ऐसे ऐसा हुआ, फिर अब जैसे मेरा सपना है कि मैंने घर बनाना था अपने हिसाब का, बन रहा है, बनेगा, वो आप सबकी दुआ रही तो भाई बहुत जल्द बनेगा, बना रहा हूँ, बना के ही रहूँगा भाई। तो एक सपना मेरा ऐसा भी हो गया कि अब मैं सोचता हूँ कि यार कभी कभी यार अपनी गाड़ी ले लूँ यार, क्योंकि और होगा अभी कितना कर काम करना, लाइफ टाइम ड्राइवरी तो कर नहीं सकते भाई, कि लाइफ टाइम ड्राइवरी करनी है तो लाइफ टाइम ड्राइवरी नहीं करनी, मेरी सोच ऐसी नहीं है। मेरी सोच ऐसी है कि कभी ना कभी अपना बिजनेस करना है, वो चाहे ड्राइवरी हो, वो चाहे किसी भी वे का बिजनेस हो, चाहे कोई और काम सीख लूँ, चाहे कुछ भी करूँ, पर अभी ड्राइवरी कर रहा हूँ तो अभी सोच रहा हूँ कि मैं अपनी गाड़ी ले लूँ। तो कमेंट में सजेशन देना भाई मेरे को कि गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं। पैसा तो मेरे पास है नहीं भाई, क्योंकि मैंने घर पे सारा पैसा लगा दिया है। हाँ मेहनत करेंगे, कमाएंगे, 2-4 साल में अभी देखते हैं, अगर बन गया अपना कुछ तो ले लेंगे, गाड़ी भी ले लेंगे। पर सबसे बड़ा सपना है मेरा कि मेरा बस घर बनाना है, एक अच्छा घर, बिल्कुल बढ़िया वाला घर। तो भाई आज तक मैंने जितने भी सपने सोचे और जितना कुछ भी किया, ये पता कैसे किया भाई, मेहनत करके। भाई मैं हमेशा कहता हूँ नशे पानी से दूर रहो और मेहनत करो, ये मेरी रियल लाइफ स्टोरी है भाइयों। मेरा पहला ब्लॉग जाके देखो, पहले से लेकर फिर मेरे एंड का ब्लॉग देखो, मैंने फर्स्ट ब्लॉग से लेकर अभी तक क्या क्या किया, क्या क्या चीज़ें मेरे बीच में आई, मैंने हर चीज़ अपनी लाइफ की स्टोरी ने इसमें बताई, और रियलिटी है, कोई इसमें मेरा एक भी ब्लॉग स्क्रिप्टेड नहीं है, आप चेक कर सकते हो बकायदा, मैं कभी स्क्रिप्टेड ब्लॉग नहीं बनाता। हाँ लोग होते हैं ऐसे कि भाई बंदियां बुंदियां बता के फेमस हो जाते हैं ना, हमने भाई मेरे को बहुत सी लड़कियां बोलती हैं कि भाई हम ब्लॉग रील्स वगैरह बनाना चाहती है, अपने वहाँ टाइम नहीं है। हाँ कभी ज़िंदगी में मिला टाइम तो ज़रूर भाई बता देंगे, कभी अपनी
गर्लफ्रेंड भी आएगी कैमरे के अंदर तो वो भी बता देंगे, पर जो रियलिटी होगी फेक नहीं भाई। कई बंदे होते हैं ना कि फेक लड़कियां ले आते हैं, उनको गर्लफ्रेंड वगैरह बना के पैसे पुसे दे के बड़ा कुछ कर लेते हैं। अपना नहीं भाई वो काम यार, अपना है सारा ओरिजिनल काम, जेन्युइन काम। मेरा पहला व्लॉग देख सकते हैं आप, बाकी यही थे यार मेरे सपने थे यही भाई। अगर आप भी अपने सपने पूरा करना चाहते हैं ना तो बस मेहनत करो, काम कोई भी हो, काम कोई भी छोटा ना होता, कोई भी काम हो बस मेहनत डट के करनी, नशे पानी से दूर रहना, सब कुछ हो जाता है। बाकी बस महादेव का आशीर्वाद सबके साथ बना रहे भाई, बजरंग बली का आशीर्वाद सबके साथ बना रहे। तो बस मेरी यही दुआ है भाई, सब सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में, बस बेले नहीं बैठना और नशे पानी नहीं करने। तो चलो आधी चढ़ाई हमने क्रॉस कर ली है, अब आधा हम और करेंगे, गाड़ी गुड़ी उतारेंगे फिर निकलेंगे। फुल ब्लॉग है, बने रहना। बाकी कमेंट में जरूर बताना तुम्हारे भाई की स्टोरी तुम्हारे कैसी लगी। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें और बढ़िया बढ़िया बातें हम आगे भी करते रहेंगे। बाय बाय। इसको बोलते हैं भाई फुल पावर ऑफ रोड, फुल पावर चढ़ाई इसका भाई, हर एक पुर्जा पुर्जा ओके द रिपोर्ट है। तो पास दे देते हैं, यहाँ सुमो वाले भैया आ चुके हैं, क्योंकि भाई पता क्या है, हम नहीं ऐसे ट्रक ड्राइवर की ट्रक चला रहे तो हीरोपंती दिखानी, कोई पीछे से बाइक स्कूटी वाला आ गया कार वाला आ गया तो पास नहीं देना भाई। पता क्या है, अपनी साइड हमेशा भी मतलब कि पास खुला रखना भाई, बंदों को खुश रखना। ऐसा नहीं अपनी सोच नहीं ऐसी कि कोई पीछे से आ रहा है उसको धूड़ से भर रहे हैं और वो बद्दुआ दे के जाए, नहीं भाई, बंदा हमेशा भी तारीफ करके जाएगा जो भी हमारे पीछे आएगा। जहाँ हमारे को जगह मिलेगी भाई हम पास देंगे। हाँ कई बार होता है ऐसे कि फंस जाते हैं, अगर आपका नज़दीक पास हो भाई, मेरा नज़दीक हो मैं तो लोड गाड़ी भी बैक कर देता हूँ। चढ़ाई है भाई, चलो फिर भी पास दे दूंगा। देखो यहाँ ये बाबा अपने में नहीं है यार वो सीन, अपना पास पुस खुला रहता भाई, कोई चक्कर नहीं है। तो हाँ जी दोस्तों, ऊंचाइयों का मजा, ये बाबा फुल पावर, दिल में तो थोड़ा रेस्ट दे रहा यार, बहुत चढ़ाई 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 है भाई, बहुत डेंजरस पॉइंट है जहाँ मैं खड़ा हुआ अभी। तो ये भाई देखो, मैं तो यहाँ ऊपर भी नहीं जा पा रहा हूँ, इतना डर लग रहा है मेरे को। ये देखो ये असली डेंजर पॉइंट भाई, तगड़ा पॉइंट है भाई, सुसाइड पॉइंट ही है ये तो कसम से। कोई यहाँ से गया ना हड्डिया भी नहीं मिलेगी भाई। तो ये है ब्रांड विलेज, प्लानिंग चेंज, अब हो रहे ऊपर आगे आने को, खड़ी चढ़ाई दोस्तों बिल्कुल ही। देखो गाइस गाड़ी हो चुकी है खाली, बिल्कुल टॉप पे भाई, टॉप ऑफ द व्यू बाबा, फुल पावर। तो यहाँ से लाई तुम्हारे भाई ने गाड़ी बैक। तो हाँ जी दोस्तों, वापसी हो रही है, मेरे को पता नहीं कि क्या करना क्या नहीं करना है, तो जो भी होगा तो आपको बताते रहेंगे। तो निकलते हैं वापस, पहले जाएंगे खाना खाने। तो हाँ जी दोस्तों, अभी फिर से वही जाना है, तो सेम वही मटेरियल लोड हो रहा है, वही उतार रहा है, तो गाड़ी लोड हो रही है। मैं तब तक गाड़ी में सोया हूँ क्योंकि बाहर बहुत ठंड है, धूप बड़ी कम आ रही है, आज मौसम हल्का हल्का ख़राब है। तो चलो गाड़ी गुड़ी लोड करते हैं, खाली खुली करके आता हूँ मैं, फिर मिलता हूँ बाद में, फिर शाम तो हो ही जाएगी आज। तो चलो मिलते रहेंगे बीच बीच में, बाकी बने रहो ब्लॉग में। तो सबसे जरूरी बात, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शाम के 5 बज रहे हैं और अब जाके गाड़ी लोड हुई है, अभी जा रहा हूँ मैं ब्रांड। भाई साहब ब्यूटी, वो देखो भाई कुछ नोटिस कर रहे हैं आप, वाह 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 भाई, ऐसे व्यू में किसी किसी को नसीब होते हैं, किस मिनट वालों को ये व्यू बाबा। अब हरी अंधेरा हो गया भाई, इतनी तो ना इतनी आसा बस लग रही हूँ गड्डिया उतार दे।
दोस्तों पहुंच गए हम घर के वहां। जा रहा हूं आज के ब्लॉग को भी यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो चैनल पे नए चैनल करना सब्सक्राइब, जो देख रहे फेसबुक पेज पे पेज करना फॉलो। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ख्याल रखो, कहीं ना कहीं मेहनत करते रहो। लव यू, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। लव यू ट्रक भर के।